नमस्कार, आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को राष्ट्रीय पोषण माह के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को एक न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया था कि राष्ट्रीय पोषण माह 2021 में किस प्रकार से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। पूरे महीने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नए नए कार्य करने हैं इस पोषण अभियान के तहत। तो मैं आप सभी को एक राष्ट्रीय पोषण अभियान का PDF जारी किया गया है, उसके बारे में आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए, ये राष्ट्रीय पोषण अभियान जो गतिविधि कैलेंडर है वो जारी हो चुका है और उसी के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत जानकारी देने वाला हूँ। और वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में इसकी जानकारी दे दिया है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी जानकारी है जो आपको जान लेना चाहिए। तो देखिए, राष्ट्रीय पोषण माह 4 सप्ताह के लिए कराया जाएगा और चारों सप्ताह में अलग अलग नए नए कार्यक्रम कराए जाएंगे। तो देखिए, इसको किस स्तर से कराया जाएगा, इसकी जिम्मेवारी किन विभाग को दिया गया है, लिखा हुआ है राष्ट्रीय पोषण माह 2021 गतिविधि कैलेंडर। और इसका स्लोगन दिया गया है, कुपोषण छोड़ पोषण की ओर, थामे क्षेत्रीय लोकल भोजन की डोर। यानी कि कुपोषण मुक्त भारत को बनाना है, जो कि क्षेत्रीय लोकल भोजन से इसकी डोर संभाली जाएगी और इस कुपोषण को भारत से दूर भगाना है। तो देखिए, यहाँ पे गतिविधि का लिस्ट दिया गया है, अवधि कब से कब तक इसको पूरा करना है और इसको किस स्तर से इस कार्यक्रम को पूरा कराया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी देखिए किन विभागीय पदाधिकारी को दिया गया है कि इन सभी की जिम्मेवारी आप सभी को आंगनबाड़ी से और जो स्वास्थ्य NM है, आशा है, इन सभी को मिलजुल कर इसमें काम करना है और इस कुपोषण को दूर भगाना है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबा लें, ताकि इसी प्रकार से जो भी नए अपडेट आते रहें आप तक तो उसको सबसे पहले मिल जाए। तो देखिए, ये जो राष्ट्रीय पोषण माह गतिविधि कैलेंडर है ये टोटल 26 पेज का है, लेकिन इसमें से जो महत्वपूर्ण बातें बताई गई है आंगनबाड़ी केंद्रों पर किए जाने के लिए, तो मैं सिर्फ उसी पर फोकस करूंगा, जिसमें कि आप सभी को राष्ट्रीय पोषण दिवस किस प्रकार से मनाएं, क्या कौन कौन से गतिविधि करना है आपको अपने आंगनबाड़ी केंद्र पे, उसकी जानकारी देने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पर 1 से लेकर 15 सितम्बर तक आपको वृद्धि निगरानी करना है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, आंगनवाड़ी सेविका आशा एवं ANM के संयुक्त समन्वय से विशेष अभियान संचालित कर आंगनवाड़ी केंद्र के पोषक क्षेत्र के 0 से 6 साल के सभी बच्चों का वजन, ऊंचाई, लंबाई लिया जाना है, ताकि बच्चे के पोषण स्तर सामान्य कुपोषित एवं अति कुपोषित की जानकारी प्राप्त की जा सके। साथ ही इसकी एंट्री पोषण ट्रैकर एवं पोषण अभियान डैशबोर्ड पर नियमित रूप से संधारित किया जाए। तो देखिए, ये आंगनबाड़ी के पोषक क्षेत्र के जो भी लाभार्थी हैं उनकी यहाँ पे नियमित तौर से निगरानी, वृद्धि निगरानी की एंट्री आपको पोषण ट्रैकर ऐप में करनी होगी। देखिए, ये जिम्मेदारी दिया गया है ICDS विभाग को और स्वास्थ्य विभाग को। तो इसी प्रकार से बहुत सारी जिम्मेदारी है आपको पूर्ण करने हैं। देखिए, यहाँ पर जो मेन मुद्दा है वो है, देखिए, थीम को लेकर यहाँ पर थीम दिया गया है, यानी कि पहले सप्ताह में आपको किस प्रकार से अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्य करना है। तो पहले थीम में दिया है, पोषण हेतु वृक्षारोपण अभियान पोषण वाटिका। तो देखिए, ये कब से कब तक चलेगा, 1 से लेकर 7 सितंबर 2021 तक इसको वृक्षारोपण का कार्य करना है। तो देखिए, ये आंगनबाड़ी एवं पंचायत समिति जो भी लोग हैं सब लोग इसमें मिलजुल कर इसमें भागीदारी निभाएंगे और सभी, देखिए, यहाँ पर ICDS स्वास्थ्य शिक्षा पंचायती राज ग्रामीण विकास जीविका महादलित विकास मिशन, यानी कि नगर विकास एवं आवास कला संस्कृति एवं युवा विकास सभी सहयोगी विभाग जीविका आपदा प्रबंधन लोक सूचना विभाग, यानी कहने का मतलब है कि पूरे संपूर्ण राज्य में इस पोषण अभियान को चलाया जाएगा, जिससे कि भारत से जो कुपोषण की जो कुपोषण है उसको दूर भगाना है। तो देखिए, दूसरे सप्ताह में आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रसव पूर्व देखभाल एवं गर्भवती धात्री महिलाओं के बेहतर पोषण हेतु योगा अभ्यास या आयुष अभ्यास के लिए जन जागरूकता अभियान किया जाना है। तो योग दिवस का जो कार्यक्रम होता है उसको योगा के रूप में मनाया जाएगा और ये देखिए
मध्य विद्यालय में भी इसको मध्य एवं उच्च विद्यालय में भी इसको किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की ओर से और ICDS विभाग की ओर से दिया गया है। और देखिए, आंगनवाड़ी केंद्रों पर योगाभ्यास के आयोजन भी करना है, माता पिता को पत्र भी लिख के जो COVID-19 सुरक्षा है नियमों का पालन करते हुए आंगनवाड़ी केंद्रों में इस गतिविधि का आयोजन किया जाएगा। योजना से भी आपको एनीमिया नियंत्रण हेतु आयुष अभ्यासों पर आंगनवाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और आंगनवाड़ी केंद्रों पर IFA की गोली और सिरप का वितरण किया जाएगा। और उसके बाद देखिए, यहाँ तीसरे सप्ताह में आपको Theme 3 के माध्यम से यहाँ पे जो दिया गया है Theme 3 आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत लाभार्थियों का वितरण स्थानीय पोषण किट, यानी कि आपको जो भी कार्य करना है, देखिए यहाँ पे 16 से लेकर 23 सितंबर तक ये कार्य चलेंगे तीसरे सप्ताह में, जो कि आंगनवाड़ी केंद्र को यहाँ पे देखिए क्या जागरूकता फैलाना है। जैसे कि यहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र के लिए दिया गया है, बोतल से दूध पिलाने मुक्त गांव घोषित करने का अभियान चलाया जाएगा, जिसमें कि बोतल से दूध पिलाने से मुक्त गांवों को घोषित कराने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने होंगे। जो अभियान चलाया जाएगा कि जो बच्चों को बोतल से दूध पिलाया जाता है उसके लिए उसको अभियान के तहत उसको जोड़ा जाएगा, जो कि उस बोतल बंद जो डब्बा है उसको दूध ना पिलाएं, इसके लिए उस गांव को मुक्त गांव घोषित किया जाएगा। और देखिए, Theme 4 यानी कि चौथे सप्ताह में आपको 24 से लेकर 30 सितंबर तक कौन कौन से कार्य करने हैं ये सारी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। मैं आपको इसका PDF अपने WhatsApp ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग मेरे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करके इस PDF को पूरा अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से सारी कामों को कराए जाएंगे। उसके बाद देखिए, आंगनवाड़ी केंद्रों पर संपूर्ण माह के दौरान क्रियान्वित की जाने वाली गतिविधियाँ, जो पहले गतिविधियाँ हो रही थी आंगनवाड़ी एवं आशा के द्वारा संयुक्त गृह भ्रमण के दौरान निर्धारित दिवस अनुसार समुदाय आधारित गतिविधि, गोद भराई, अनुप्राशन, ECC दिवस का आयोजन, सभी 0 से 6 वर्ष के बच्चों का वजन लेना, गृह भ्रमण के दौरान परवरिश के चैंपियन की वर्णमाला के माध्यम से प्रत्येक दिन केवल 2 वर्णमाला या अक्षर से संबंधित गतिविधि मोबाइल से दिखाकर माता पिता एवं बच्चों के चर्चा करना, जो कि विभागीय वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं, और जो कि घर घर आंगनवाड़ी के अंतर्गत WhatsApp के द्वारा ECCE गतिविधि का भेजा जाना, यानी कि आपको जो वेबसाइट से जो वीडियो दिखाया जाएगा वो आपको जो आंगनवाड़ी है वो सभी अभिभावकों के घर घर पे WhatsApp पे उनको गतिविधि का वीडियो भेजना, सूक्ष्म योजना अनुसार VHSND का आयोजन, मतलब कहने का मतलब है कि पूरा विभागीय स्तर से, ICDS स्तर से और जितने भी विभागीय स्तर हैं उन सभी के द्वारा मिलकर इस कार्यक्रम को पूरा किया जाना है, जिसमें कि आंगनवाड़ी सेविका हो, आशा हो, ANM हो और जो भी सदस्य हैं उन सभी के द्वारा इस कार्य को पूर्ण कराया जाएगा। और देखिए, मैंने आपको यहाँ पे एक स्टेप छोड़ दिया था जिसमें कि आपको स्लोगन भी लिखना है इस कार्यक्रम के दौरान। देखिए यहाँ पे उसका चर्चा किया गया है, स्लोगन लिखने का आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे गर्भवती महिलाओं के पोषण युक्त आहार लेने हेतु स्लोगन लेखन की प्रतियोगिता भी शामिल रहेगी। तो सारी चीज़ों का आप लोग इस प्रकार से पढ़ सकते हैं और जो 1 से लेकर 30 सितंबर के बीच आपको ये सारे कार्य पूरे करने होंगे। तो कहने का मतलब है कि सभी आंगनवाड़ी कर्मियों को 1 महीने में फुर्सत नहीं मिलेगी, इतना ना काम दे दिया गया है आंगनवाड़ी बहनों को कि उनको टाइम ही नहीं मिलेगा कि कोई और भी काम किया जा सके। अब ये काम ख़त्म नहीं होता है कि दूसरा काम आंगनवाड़ी के वर्करों पर डाल दिए जाते हैं। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।